तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा जो है रिजल्ट नहीं आया है और स्कोर बेहतर नहीं कर पाए नीट 24 में, एग्जाम खराब गया है। तो ऐसे में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन में चले जा रहे हैं बच्चे। मेरे साथ एक टीचर है और MCM के बायोलॉजी के टीचर है, जिन्होंने काफी बार नीट का एग्जाम दिया भी है और इनको बेहतर नॉलेज है कि किस तरीके से एग्जाम को क्रैक भी करते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से मोटिवेशन लाए दोबारा फिर से मेहनत करने का। तो ये इसीलिए मैं सर से चाहूंगा कि वो हर वो बात करें, और कुछ बच्चों का कमेंट भी है हमारे पास जो मैं एक एक करके उनके कमेंट का जो है मैं प्रॉपर उनसे पूछूंगा, जानूंगा और उसका आंसर भी सर से मैं सोचूं चाहूंगा कि वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सर एक बच्चे का आंसर है जो कि रहमान पूछ रहे हैं कि सर OBC कैटेगरी से हैं और मेरा जो है 678 मार्क्स आ रहा है, क्या एम्स मिलेगा? तो इस पे सर क्या करना है आपको? सबसे पहले हेलो रहमान, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 678 D24 का रिजल्ट रहा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका और एम्स बिल्कुल मिलेगा आपका। आपको जो है एकदम आसानी से एम्स मिल जाएगा, ठीक है ना? ऑल इंडिया से लेना चाहेंगे आप तो बिल्कुल आसानी से मिलेगा, या आप अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, जो भी आपका टॉप कॉलेज है जिस भी स्टेट से आप, उसमें भी बहुत बेहतर कॉलेज मिल सकता है। और आपका जो क्वेश्चन है कि एम्स मिलेगा कि नहीं, सर बिल्कुल मिलेगा एम्स। एक और बच्चे का सर कमेंट्स है कि सर 650 मार्क्स आ रहा है तो क्या मुझे बिहार में NMCH या PMCH मिल पाएगा क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जनरल OBC EWS से है दोनों, तब तो और अच्छी बात है। अभी OBC से ज्यादा मतलब कि जो है सर कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम ही जा रहा है जनरल EWS का। बिल्कुल, NMCH तो पक्का है, PMCH के भी 90% चांस है कि मिल जाएगा। एक हरीश शर्मा है गुजरात से बात कर रहे हैं, एक्चुअली इन्होंने पूछा है कि सर 380 मार्क्स आया है मेरा, PWD है और गुजरात गवर्नमेंट कॉलेज में उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, 251 वाले अभी पढ़ रहे हैं PMCH में, तो गुजरात से होंगे, गुजरात में और ज्यादा सीटें हैं तो वहाँ भी बिल्कुल बढ़िया कॉलेज मिलेगा अगर PW सर्टिफिकेट है। बच्चों आप लोग भी अपना कमेंट जो है कमेंट में आप अपना स्कोर नीट का जरूर लिखेगा और आप किस परेशानी से अभी भी गुजर रहे हैं जरूर लिखेगा। हमारे साथ जो सुधांशु सर है बायोलॉजी के टीचर, ऑलरेडी पटना PMCH में है, तो आपको और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि किस तरीके से आप जो है काउंसलिंग भी करवाएंगे और कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शंस आपके बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शंस रहेगा आपके लिए कि कमेंट जरूर करते रहिएगा। अब एक और बच्चा है सर, थोड़ा अपसेट है लेकिन मैं चाहूंगा कि उस बच्चे को आप बेहतर तरीके से सजेस्ट करें क्योंकि मुझे लगता है कि इस बच्चे ने अपने कमेंट में तो ये बातें लिख दी भी है। बहुत सारे बच्चे नहीं भी लिखते, अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, फिर बाद में गलत कदम भी उठाते हैं। आप इस सिचुएशंस में क्या कहना चाहेंगे कि उसने लिखा है कि सॉरी सर आई फेल, आई डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट कांट सक्सेस, आई राइटिंग दिस लास्ट लाइन ऑन योर चैनल सर, पापा मम्मी आई मिस यू, आपको शर्मिंदा कर दिया पैसा और टाइम भी। आप बताएं सर कि ये कितना सही है बोलना और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे बच्चे को? सबसे पहले बच्चा लास्ट लाइन कुछ होता नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि जैसे हम लोग जहां हमारी जीवन पनपी है जिसका नाम है अर्थ, उसका भी कोई छोर नहीं, वो सर्कल है जहां से स्टार्ट होता है वहीं एंड होता है, लेकिन लास्ट लाइन कुछ नहीं होता। वैसे ही हमारे जीवन में लास्ट कुछ नहीं होता है। जैसे कि सर ने बताया कि मैं PMCH में करंटली स्टडी कर रहा हूँ, तो बच्चा मैंने भी 5th अटेम्प्ट में जाके नीट निकाला और अभी आपके सामने कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फेल कर गए। हम लोग फेलियर नहीं है, हम लोग लूजर नहीं है, हम लोग फाइटर है। एक और बार फाइट करने की जरूरत होती है। क्या पता जिस मतलब इस साल आपका रिजल्ट होता और जो कॉलेज में होता वो गॉड ने ऐसा डिसाइड ही नहीं किया, गॉड ने चाहा कि आप थोड़ा सा एक साल पीछे जाइए और बेहतर आगे बढ़ने के लिए एक साल पीछे जाइए। जो जितना अच्छा किरदार होता है, जो जितना अच्छा एक्टर होता है, उसको उतना ही टफ किरदार दिया जाता है, चाहे ये जीवन की बात हो चाहे कॉम्पिटिशन की बात हो। तो जैसा जीवन है वैसा ही कॉम्पिटिशन है, कभी भी हार नहीं होता, एक और वे प्रयास की जरूरत होती है, तो हार मानना नहीं है। और सबसे पहले किसी चीज का वेस्ट नहीं हुआ, अगर आप फेल किए हैं तो आप फेल नहीं किए, आप फाइटर हैं, आप सीखे हैं। अगर आप दूसरी बार फेल किए या तीसरी बार फेल किए तो आपको ये समझ में आया कि किन चीजों से हम फेल कर रहे हैं, उतना ज्यादा आप तरीका सीखे हैं।
जैसे थॉमस एडिसन की बात करें सर, 100 बार बल्ब नहीं जला था उसके बाद जलता, तो उनको 100 से ज्यादा तरीका पता था कि बल्ब कैसे नहीं जलता, नहीं जलता। तो वैसे ही हमारे अंदर, और नीट में ऐसा मतलब कि रेगुलर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं, बिल्कुल 1 से 2% ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सर वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है या वो सोसाइटी में बहुत अच्छा कर पाए। नीट इज नॉट कि हमारा जीवन डिसाइड कर दे कि हम आगे जाके क्या करेंगे, आगे जाके क्या नहीं करेंगे। तो हार नहीं मानना है, एक और बार फाइट मारना है, और ये सोच के नहीं मारना है कि पिछली बार क्या हो गया, एकदम भूल जाइए, बात गई बीत गई, सब गया, बात खत्म हो गया, 5 मई खत्म हो गया, अब है हमारा 6 मई, अब हम अगले साल के लिए फाइट करेंगे और एक नए ऊर्जा के साथ, नए प्रयास के साथ फाइट करेंगे। कभी भी कोई फेलियर नहीं होता, हम सभी लोग फाइटर हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि एक लिमिट है, वहां तक पहुंच जाना है, उसके बाद रुक जाना है। हमारा जीवन ही है, हम लोग दिल धड़कते ही रहता है, वैसे ही हमारे अंदर प्रयास होते रहना चाहिए कि हम लोग फ्लक्चुएट करते रहे, क्योंकि कॉन्स्टेंट होना मतलब हमारा ग्रोथ रुक जाना, या तो नीचे जाइए या ऊपर जाइए, लेकिन फ्लक्चुएट कीजिए। तो यही रहेगा सर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो बच्चा, मुझे लगता है कि होपफुली कि आपको बेहतर आंसर मिल गया होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार दोबारा उठने की शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, नीट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, अभी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप अचीव भी कर सकते हो और कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो। जी सर, वो चीज सर, वो सिचुएशन, आपने खुद बोला कि सर मैंने 5 बार में किया, आप सोचिए 1 बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, जो भी आपके मार्क्स आया आपने एक्सेप्ट किया कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं और आज बहुत सारे बच्चे को पढ़ा रहे, गाइड कर रहे, मोटिवेट कर रहे हैं। यार आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 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 आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हौसला आपका कम हो गया यार, तो फिर कोई खड़ा नहीं कर सकता। आत्मविश्वास से जरूर, एक बस छोटा सा पेपर था जो आपसे नहीं क्लियर हुआ, बस दैट्स इट, इतना सोचना है, फिर से खड़ा होइए, फिर बेहतर कीजिए और इस बार तिगुने मेहनत से आप खुद को आगे बढ़ाइए, है ना सर। एक और बच्चे का प्रश्न है कि 580 मार्क्स पे, रोशन पूछ रहे हैं कि 580 मार्क्स पे मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ओबीसी से। बच्चा, ऑल इंडिया से चांस बनता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप बिहार से होंगे तो बिहार का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा रहा है। ये एक बात मुझे समझ में नहीं आती, स्टेट गवर्नमेंट और ऑल इंडिया कोटा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑल इंडिया कोटा में सर जितने भी सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं, बट उसके लिए फिर मात्र 15% सीट अवेलेबल होते हैं बाहर वालों के लिए, और स्टेट कोटा में 85% सीट अवेलेबल होते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो इससे ये फायदा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट में कॉलेज मिलना ज्यादा आसान है। जी, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, ये सारे स्टेट में ऑल इंडिया से भी थोड़ा ज्यादा कट ऑफ चला जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं और नंबर ऑफ सीट्स कम है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे ऑल इंडिया से थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ जाता है हमारा रिकॉर्ड में स्टेट गवर्नमेंट का। सर एक बच्चा और पूछ रहा है कि क्या अगर नीट पेपर रद्द हो सकता है क्या, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला चल रहा है? नहीं बच्चा, ऐसा हर साल मामला सामने आता है पेपर लीक का, बट NTA ये इंश्योर करता है सबसे पहले कि जो पेपर लीक हुआ है वो एग्जामिनेशन से पहले लीक हुआ या एग्जामिनेशन के बाद लीक हुआ, क्योंकि अगर एक बार बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में इंटर कर जाते हैं तो कोई चारा ही नहीं है कि वो उस तक क्वेश्चन पहुंचे या आंसर पहुंचे। तो अगर एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के बाद, अगर 2 बजे के बाद पेपर लीक हुआ, तो फिर उस हालत में कभी भी एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा। और NTA ने नोटिस भी जारी किया था कि हमारा जो है सेंटर इफेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इससे क्या होगा कि अप्रॉक्स 4 PM के आसपास जो है पेपर लीक का मामला आया था सामने, तो पेपर तो ऑलरेडी 2 बजे तक आपका बढ़ चुका था, बच्चे सेंटर हॉल में चले गए थे, एग्जामिनेशन हॉल में चले गए थे, तो मामला ही नहीं बनता है पेपर रद्द होने का। तो जो भी आपका स्कोर आ रहा है भाई, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। सर एक थोड़ा सा फनी सा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं चाहूंगा कि उस बच्चे का भी आप एक बात ले लें। एक्चुअली वो कहना ये चाहता है कि सर मैं अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, फ्रेशर हूँ, मेरा 250 मार्क्स आया है जी, सर अब मैं क्या करूँ? आपको फिर से ड्रॉप लेना चाहिए, आप फ्रेशर हैं, आपने पहले अटेम्प्ट में 250 स्कोर किया। मैं भी अपने पहले स्टेप में पहले अटेम्प्ट में 268 स्कोर किया था, तो आप 250 से डायरेक्ट 700 तक क्रॉस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अब इस साल 2024 और 25 के सेशन में आप कितना मेहनत करते हैं, इससे पहले आप क्या किए वो कुछ मैटर नहीं करता,
अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप तैयारी करेंगे या पहले देखेंगे कि क्या करना चाहिए। ज्यादा सोचना नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। आप एक बार दिमाग में ठान लीजिए, मेरा पहला अटेम्प्ट था, हमने चेक किया कि मेरा कैपेबिलिटी कितना है, मेरा कैपेबिलिटी 250 का था, अब इसको हम 3 मल्टीप्लाई करके 700 तक जाएंगे और उसके लिए अभी से पर्याप्त लग जाइए आप काम में तीव्र मेहनत के साथ। बिल्कुल सर, ओवरऑल और भी बच्चे का बहुत सारा कमेंट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट से जो मैं आपको सर बताया भी। जी जी, एक लास्टली सर मैसेज उन बच्चों के लिए आप क्या देना चाहेंगे जो कैरियर फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से नीट का एग्जाम 25 के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो फ्रेशर बच्चे जो ऑलरेडी अभी पढ़ रहे हैं, जो 25 में वो देंगे जी, तो जो 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए सर? ऑलरेडी आपका बायो के सर टीचर भी हैं आप, तो क्या ऐसा करे बच्चा कि जो बहुत सारे बच्चे को इस साल प्रॉब्लम हुई थी, आपने सर पेपर भी देखा किस तरीके से पेपर था, क्या लगता है बायोलॉजी बहुत टफ था क्या? नहीं बच्चा, बायोलॉजी 2020 के बाद 21-22-23 थोड़ा सा टफ गया है और फिर पीछे आया, इस बार बायोलॉजी पीछे आया है। तो बायोलॉजी बहुत ईजी है और हम लगातार बोल भी रहे हैं और 4-5 साल से एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि अब एनटीए जो है बायोलॉजी टोटली 100% एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये मॉड्यूल हो गया, फलाना मॉड्यूल हो गया, फलाना बुक हो गया, उसके पीछे लगे हुए होते हैं, पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, और इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है कि वो दिमाग में स्कैन हो जाना चाहिए कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, डायग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ है, चाहे वो बॉक्स में लिखा हुआ हो या शॉर्ट में लिखा हुआ, सारे कुछ स्कैन होने चाहिए। अगर ये आप करते हैं, और जो बच्चा ने किया 2023 में किया, तो उनका 2024 में 360 out of 360 नंबर आया है और आपको देखने को मिलेगा। 5,000-10,000 ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जिनका बायोलॉजी में 360 out of 360 स्कोर होगा, और 2025 में भी सिमिलर पैटर्न होगा बच्चा बायोलॉजी को लेके, क्योंकि अब बायोलॉजी एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो सर एक ही एनसीईआरटी कितने बार पूछेगा, अरे बार बार पूछेगा बच्चा, बस लैंग्वेज चेंज करता है, कंटेंट सेम रहता है। तो आपको 100% बायोलॉजी को समझना, बायोलॉजी समझने के लिए आप दूसरा ग्रुप पेपर कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है तो बायोलॉजी। और जो बच्चे इस बार थोड़ा सा से चूक गए, उनको बस क्या करना है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जितना तक पिछले साल पढ़े फिर वहां से स्टार्ट करते हैं, नहीं, अगर मान लीजिए एक सादा कागज में कुछ लिखा हुआ है और फिर उस पर से हम लोग लिख देंगे, रीराइटिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्लर विजन हो जाएगा। तो हमेशा जब भी स्टार्ट करें जीरो से स्टार्ट करें, एकदम फ्रेश कागज से स्टार्ट करें, वैसे ही हमारा दिमाग होना चाहिए। 2024 का 5 मई बीत गया, जितना भी हम लोग पढ़े थे वो ठीक है, लेकिन स्टार्ट करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, बीच से स्टार्ट नहीं करेंगे, कभी भी स्टार्ट जीरो से होता है। तो आप जीरो से स्टार्ट करें, फिर से उतना ही मेहनत के साथ स्टार्ट करें, और हो सकता है तो उससे दुगनी मेहनत के साथ स्टार्ट करें। और इसके आपके पास एक और फायदा है कि आपको पता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक बार फेल हो चुके हैं, तो वहां से आप ये सीखे कि क्या नहीं करना चाहिए, और ये भी है कि क्या नहीं करना चाहिए। और अगर उसके बाद अगर आपको मेंटर का सपोर्ट चाहिए, हमारे टीचर का सपोर्ट चाहिए, तो आप MCM इंस्टीट्यूट को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट जो प्लानिंग है, नेक्स्ट जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो आप MCM के साथ भी कर सकते हैं। हमारे टीचर पूरे तरीके से आपके साथ मेहनत करेंगे, और MCM का इस साल का रिस्पांस भी बेहतर रहा है। बहुत जल्द आप लोग के सामने हम मिलेंगे भी रिजल्ट के साथ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को अर्ली स्टार्ट करना, तो दिए गए नंबर पे आप एक बार कॉल भी कर लेंगे कि आखिर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बिल्कुल मत घबराइए, और खुद को बेहतर करने के लिए फिर से एक बार स्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, ताकि आप फिर से बेहतर कर सके। पूरी MCM टीम आपके साथ लगी रहेगी आपके रिजल्ट दिलवाने के लिए, ठीक है सर? तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे लोग खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।